And my business name is Grotex Technology. So, here's my personal details. मेरा born January 93 नागपुर में हुआ है. And she is my wife, Himakshi Dhingra. She is MSc B.Ed. And वो अपना खुद का institute चलाती है, coaching institute जरीपटका में. Hobbies and interest की बात करें तो मुझे cricket में और gadgets से ज़्यादा खेलना पसंद है और travel करना बहुत अच्छा पसंद है. And मैं spirituality में बहुत believe करता हूँ. बहुत सारे communities में जुड़ा हुआ हूँ spiritual में. क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस हुआ है. एंड देन मैंने सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेके बेंगलोर से एंड फिर इंटर्नशिप करके जॉब्स करके वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया है. सो जैसे कि मैंने बीएससी किया है तो बीएससी में ऐसा था कि मेरा कोडिंग बैकग्राउंड ये सब चीज़ें, बट वो प्रेफरेबल थी कि मैं जॉब करूँ आगे. बट मेरा मेन गोल था मुझे बिजनेस करना है, इसलिए मैंने ऐसी फील्ड चुनी कि जहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो. तो मुझे ये फील्ड बहुत अच्छी लगी कि जहाँ मैं खुद का एक बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ. तो मेरे अंदर में था कि शुरू से मुझे बिजनेस करना है. बट बिजनेस मेरा इतना इजीली स्टार्ट नहीं हुआ. मैंने स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग की, जिससे मुझे मार्केट का नॉलेज आया कि मार्केट में ऑलरेडी चल क्या रहा है और मुझे करना क्या चाहिए. क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज थी और ऑलरेडी है, अभी और ज़्यादा बढ़ गई है. बट मुझे एक ऐसा काम करना था कि जो मैं किसी क्लाइंट की या किसी पर्सन की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करूं. क्योंकि उस जब मैंने फ्रीलांसिंग की तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज तो आ चुका था कि जब तक आप किसी की लाइफ में वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, आप बिजनेस जनरेट नहीं कर पाओगे. और जब आप किसी की लाइफ में, किसी बिजनेस में आपने वैल्यू क्रिएट की तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा. तो वो फ्रीलांसिंग में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला. मैंने अच्छे अच्छे क्लाइंट के साथ वर्क किया. देन जहां मुझे लगा कि एक मुझे अपना खुद का कंपनी सेटल करना है, टीम जनरेट करनी है, देन अपने मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. सबसे पहले मेरा Grotex टेक्नोलॉजी, जो मेरा ऑफिस है सीए रोड गांधीबाग में, वहां मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं. जब मुझे इस कंपनी स्टार्ट करने के बाद में जब मुझे एक्सपीरियंस आ गया कि मार्केटिंग में ऑलरेडी क्या चल रहा है और लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उस चीज का एक्सपीरियंस लेने के बाद में मुझे इंस्टीट्यूट सेटल करने का एक प्लान आया. देन मैंने इंस्टीट्यूट भी सेटल किया जहां मैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे जॉब प्लेसमेंट्स करवाए हैं स्टूडेंट्स के. इस इंस्टीट्यूट में मेरा दो तरीके से वर्क होता है. एक स्टूडेंट्स के लिए होता है जो 3 मंथ्स का कोर्स होता है उनका. 3 मंथ्स के कोर्स के बाद में 1 मंथ का इंटर्नशिप प्रोवाइड करता हूँ जो अपनी खुद की कंपनी में प्रोवाइड करता हूँ मैं, और उसके बाद उनको जॉब प्लेसमेंट्स के लिए भेजता हूँ. सेकेंड होता है मेरा 1-to-1 सेशंस चलते हैं जहाँ बिजनेस ओनर्स आते हैं अपने खुद का इनहाउस टीम क्रिएट करने के लिए या खुद का बिजनेस को ग्रो कैसे करना वो सीखने के लिए, उसका ट्रेनिंग मेरा अलग होता है. ये मेरे 2 पार्ट्स होते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये मेरा टीम है जहाँ डिजाइनर, कंटेंट राइटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, वीडियोग्राफिक्स, ये पूरे पे वर्कआउट होता है. अब मैं सर्विसेज की बात करूँ जो मेरा Grotex टेक्नोलॉजी में प्रॉपर वर्क होता है. सबसे पहले आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड पेड कैंपेन्स. हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग में आज तक के जो देखा है वो बस यही सीखा है कि हमें जस्ट पोस्ट करना है. जैसे हमने देखा होगा सोशल मीडिया में लोग पोस्ट करते हैं, एक हमने मेथड देखी कि बूस्टिंग करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग वही तक एक लिमिटेड नहीं है. जब तक आपको वहां से बिजनेस जनरेट नहीं हो तब तक आपको उसका इफेक्टिव समझ में नहीं आएगा. तो एक प्रॉपर एड कैंपेन सेटअप करके हम बिजनेस को रिजल्ट्स दिलाते हैं. जब तक आपको लीड्स नहीं मिलेगी आपका मार्केटिंग करने का कोई पर्पस नहीं है. आपको लीड्स चाहिए होती है तो उसकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है. जैसे हमारे पास बिजनेस आते हैं तो हम उनको स्ट्रेटेजी वाइज सजेस्ट करते हैं कि उनको करना क्या चाहिए. फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी. जैसे बताया कि हम किसी को बिजनेस में हेल्प चाहिए मार्केटिंग में एज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, उसके लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं. मैंने ऑलरेडी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है और ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स चल रहे हैं इंटरनेशनली. उसके बाद वेबसाइट डिजाइनिंग. आपको किसी भी टाइप का वेबसाइट डिजाइन करना हो, ई कॉमर्स हो, बिजनेस वेबसाइट्स हो, या कोई भी टाइप का वेबसाइट्स डिजाइन करना हो वो भी हम डिजाइन करके देते हैं. देन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी हमें जिस टाइप का ऐप चाहिए, कस्टमाइज ऐप, आपका जो रिक्वायरमेंट हो वो सब पूरा हो जाएगा, उस टाइप का ऐप डेवलप हो जाता है. देन ई कॉमर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग भी ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये मेरे कुछ टॉप परफॉर्मिंग कैंपेन्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी लोग रिजल्ट्स दिलाए हैं, जिसमें से फंडू मैसेज कैंपेन जो दिख रहा है ये अश्लेष सर का है, जो उनका फंडू का थिएटर चलता है. उनके लिए हमने लास्ट मंथ ही लीड जनरेट किया था. उनमें उनको 40% का कन्वर्जन मिला, मतलब उन्होंने 6,700 स्पेंड किया, उन लोग 1,00,000
प्लस उनको बिजनेस मिला है उसमें। तो इतना हमारा हाई कन्वर्जन कैंपेन रहा है। ऑलरेडी हमने लीड जनरेशन कैंपेन अलग अलग किए, विलास काले सर है जो नागपुर के एक ऑथर है उनका बुक का प्रमोशन हमने किया है, तो अलग अलग टाइप्स की कैंपेन है हमारे। नेक्स्ट, एंड ये ऑलरेडी मैंने प्लेस करवाए हैं स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली नेशनली, उनको प्लेसमेंट डलवाए हैं इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट, मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स जो हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, कुछ स्टार्टअप्स हैं और कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपने ऑनलाइन, तो वो है स्टूडेंट्स है बिजनेस ओनर जिनको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग चाहिए, इनसे आप कनेक्ट करवा सकते हैं मुझे। थैंक यू।